प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रदेशव्यापी पौधरोपण अभियान के तहत बुधवार को जिला रेडक्रॉस सोसाइटी हमीरपुर ने भी वन विभाग और अन्य विभागों एवं संस्थाओं के सहयोग से पक्का ब्रो के साथ लगते जंगल में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष देवश्वेता बनिक ने पीपल और बिल्व के पौधे लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने लोगों से आह्वान किया कि पौधरोपण कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जा सके। इस अवसर पर SP डॉ. कार्तिकेन गोकुल चंद्रेन, ADM जितेंद्र सांस्टा, SDM डॉ. चेंजीलाल चौहान, सहायक आयुक्त रमन घरसंगी, DFO LC वंदना के अलावा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव लवकेश शर्मा, नगर परिषद के पार्षदों, रोटरी क्लब और अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों के द्वारा भी अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के आह्वान पर रेड क्रॉस की जिला इकाई ने भी बुधवार को पौधरोपण अभियान शुरू किया है। उपमंडल स्तर पर भी पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा इन कार्यक्रमों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि सीजन में वन विभाग जिला में करीब 280 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण करने जा रहा है। उन्होंने सभी जिला वासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने तथा नए लगाए गए पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने के लिए भी अपील की है। कि पूरे प्रदेश में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इस वन महोत्सव के पर्व में जो है अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। और आज का दिन हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग प्लांटेशंस करके जगह जगह और हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हर सब डिविजन में एक एक स्थान पे एक एक चिन्हित लोकेशन पे जो है स्थानीय प्रशासन, पंचायत, लोकल वॉलेंटियर्स, रेड क्रॉस के जो सहयोगी हमारे हर जगह हैं और जितने समाज सेवी हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ रेड क्रॉस और वन महोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। और यहाँ पे जिला मुख्यालय में हमने पक्का घरों में ये एक तरह से अर्बन फॉरेस्ट के पास ये एक लोकेशन है जो शहर के साथ साथ है लेकिन फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है। वहाँ पे विभिन्न जो है संस्थाओं के साथ जुड़ के और सबसे खासकर हमारी वन विभाग के सहयोगी हमारे अधिकारी और कर्मचारी और मेन जो हमारे इस रेड क्रॉस के पर्व के लिए जो हमारे रेड क्रॉस के कर्मचारी हैं, रेड क्रॉस के अधिकारी हैं, उन सब के साथ हमने ये पर्व मनाया है। यहाँ पे हम सब यही आशा करते हैं कि इससे ये मैसेज आगे सब लोगों तक जाएगा कि पर्यावरण, पेड़, ये हमारे जीवन में और हमारी लॉन्जिविटी, हमारे विकास में इनको साथ में लेके हम आगे चलें तो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चल सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि इस मैसेज को हर युवा हमारा साथी जो हमें देख रहा है उसको अपने जीवन में भी जो है संजोने की कोशिश करें।